अच्छा ऐसे भैया ग्रुप करके इसमें डाल दे रहे हैं ना, बढ़िया से, बढ़िया बहुत बढ़िया, कलाकार लोग हैं हम लोग के। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो गाइज आज हम देखने वाले हैं कि मैं क्लाइंट के यहाँ गया हुआ था, तो वहाँ पर जो काम की बात की गई है तो मैं उनसे भैया से पहले बात किया, तो उनसे बात की गई है और जो भी फॉर्म वगैरह जो भी लगाना है उनको लगाया जाएगा उनके बेड में। क्वालिटी कितना है? तो मैं इनको क्वालिटी के बारे में बता रहा हूँ और आप विंडो के जो डिज़ाइन होते हैं आप डिज़ाइन को देख सकते हैं। और पूरे रूम में माइका का वर्क किया गया है, दो टोन में वर्क किया गया है जो बहुत ही शानदार है देखने में। और यहाँ पर उनके स्टाफ भी है जो काम कर रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो विंडो है इस पर टोटल में स्टील का वर्क किया गया है और अभी इसके ऊपर में कागज़ लपेट दिया गया है, बाद में इसको हटा दिया जाएगा। और यहाँ पे जो है कारपेंटर भैया लोग सब काम कर रहे हैं बहुत ज़ोर शोर से, क्योंकि अर्जेंट इनको देना है, कुछ घर में प्रोग्राम है इसलिए। और ये आप देख सकते हैं इस जगह पर स्टील का वर्क किया गया है, असल में ये स्टील नहीं है, सामने पर जो दिखाई दे रही है ये माइका है जो स्टील का लुक देता है। और आप देख सकते हैं कि कुछ जो है माइका वेस्टेज भी होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन कुछ माइका जो है वेस्टेज ही होता है, लेकिन घर बनने के बाद जो इसका लुक बढ़ता है तो फिर माइका जो वेस्टेज होता है तो कोई मायने नहीं रखता है, जो भी माइका जो वेस्टेज होता है तो वो किसी और जगह पे यूज़ कर सकते हैं। और ये है कपबोर्ड जो रेडी किया गया है, इसके अंदर पे भी बहुत सारे ड्रॉवर हैं तो उसे मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। और आप देख सकते हैं गाइस कि अभी पुट्टी का वर्क थोड़ा सा बाकी है, जैसे ही कारपेंटर भैया लोग जो काम करके निकलेंगे तो पुट्टी का वर्क भी कर दिया जाएगा। और ये देखिए ग्रेट टोन है और ये कॉलम ही था जिसपे ग्रेट टोन माइका लगा दिया गया है। और ये है नीतू भाई और ये माइका बहुत वेस्टेज है, लेकिन कारपेंटर भैया लोग ऊपर रख दिए हैं बेड के ऊपर ताकि वो आराम से काम कर पाएँ इस जगह पर। और वो रहा बेड का स्विच बोर्ड। और अच्छा, ये भी है इसमें डाल दे रहे हैं बढ़िया से, ये टोटल में काम हुआ है। और ये दीपक भाई हैं, लोग हैं हम लोग के। और आप देख सकते हैं इस जगह पर बाथरूम है अटैच है और ये कपबोर्ड एक बनाया गया है और सामने पे एक मिरर है जो मैं वहाँ खड़ा हूँ। और ये टाइल्स है, बहुत ही सोवर लगता है देखने में। और इसका भी वर्क बाकी है, एक से दो दिन या तीन दिन में काम हो जाएगी टोटल। और ये मैं अपना वीडियो भी ले रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी यहाँ छोटी है। और बस फिनिशिंग का वर्क बाकी है जो ये लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो मैं आपको आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा कि बेड को गद्दी का वर्क कैसे होता है, उस पर डिज़ाइन कैसे किया जाता है, जो मेन हॉल में जो मेन बेडरूम में जो है बेड है। और ये भैया लोग है काम कर रहे हैं और ये एडेसिव है, अगर जल्दी काम करना होता तो एडेसिव का यूज़ कर सकते हैं आप। मैं यही कहता हूँ कि आप जितना भी रहे जल्दी, लेकिन आप फेविकोल का यूज़ करिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है एडेसिव से। और ये एक एज बैंड टैप है जो वुड के फ्रंट पर लगा दिया जाता है ताकि उसका एजेस नज़र नहीं आए। ये एक तरह का गम ही है। और ये हॉल में भैया लोग काम कर रहे हैं जो ये दिखे गाइज, इस जगह पर जो है आप एक ड्रॉवर है जो सेक्रेट चैम्बर जिसे कह सकते हैं, इस पर लॉक भी है और ये सॉफ्ट हिंच इस पर लगाया गया है। डोर स्मूथनेस के साथ क्लोज हो जाएगी।
और भैया जो है बहुत पुरानी जान पहचान है हमारी, लगभग 15 से 17 साल पहले इनसे मैं मिला था और बहुत ही इनके काम जो है बहुत ही फिनिशिंग के काम होती है इनकी और बहुत ही बारीकी के साथ इन्होंने अपना काम किया। और ये रहा बेड जिस पे मैं आने वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इस पर गद्दी को वर्क कैसे किया जाता है। और ये रहा फोम, तो मैंने भैया को कहा कि ये पतला वाला फोम है जो लगेगा नहीं, इसे आप रिटर्न करवा दीजिए। इसके बदले में मैंने मोटे वाले फोम को लिखवाया है जो इन्होंने लाकर दिया है, तो उससे बनाया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी तो रूम फैला हुआ है लेकिन मैं आने वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि रूम को किस तरह से डेकोर किया गया है फाइनली। और ये नीतू भाई हैं, देखिए गाइस, और उनके पीछे एक एसी है जो स्प्लिट एसी है और ठीक विंडो के ऊपर है और बेड के हेड साइड ही वो पड़ेगा। इसका लुक देखने में बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये देखने में कैसा लग रहा है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और ये भैया जो है बहुत ही अच्छे हैं और इनका कुछ कपड़े का बिजनेस होता है और इन्होंने अपने रूम को बहुत ही ज़्यादा खर्चे के साथ डेकोर करवाया है। अब पीछे है दीपक भाई जो गर्मी में बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। खैर रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो जितने भी लोग हैं सभी को गर्मी से परेशान थे क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है बहुत ज़्यादा थी और इसके कारण जो है हीट नहीं निकल पा रही थी रूम से। तो फाइनली फिर मैंने भैया से बात कर लिया कि इसका प्राइस क्या लगेगा, तो मैं नेक्स्ट डे इनके यहाँ पे आया और काम को कंप्लीट कर दिया काफ़ी रात तक, जबकि हमारा काम कुछ और जगह पर भी करना था तो मैंने वहाँ पे काम को लड़कों को भेज दिया और मैं यहाँ पे खुद चला गया दूसरे दिन। और यहाँ से आप देखिए इसका व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है, रूम काफ़ी बड़ा है। अभी इनका रूम में और भी काम करना बाकी रह गया है और रंजीत भाई अपने काम को मगन के साथ अंजाम दे रहे हैं। और ये गाइस देख सकते हैं बेड है और उसका विंडो है, स्प्लिट एसी है, ऊपर फॉल सीलिंग है, फैन तो चल रही है। तो मैंने ये मोटे वाला फोम मंगवा लिया था और ये रहे भैया जिन्होंने पूरे बेड को खोल दिया था और इस पर भी वर्क मुझे करना था। और इस जगह पे एक तरह का अलमारी शोकेस टाइप का है जो बाद में बना दिया जाएगा। और देखिए गाइस कैसा लगता है ये, सामने से इसका आपका व्यू दिखा देता हूँ। ये प्लाईबोर्ड है और ये इसका डिज़ाइन है पूरे हॉल का। असल में ये हॉल में कह दे रहा हूँ कि ये काफ़ी बड़ा है और असल में ये है बेडरूम। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।